2024 की लड़ाई के लिए विपक्षी एकता में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। बाकी राज्यों के बड़े गैर बीजेपी नेता भी अपने लेवल से इस कोशिश में जुटे हुए हैं। इन्हीं बाकी नेताओं में भी एक बड़ा नाम है नवीन पटनायक का। ये लगातार 5 बार मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार को भी इनसे काफी उम्मीद है, लेकिन नवीन पटनायक अपनी भी सियासत देखेंगे। ऐसे में आज हम आपको नवीन पटनायक की 5 कहानियों से अवगत कराएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। आजादी के पहले इनका जन्म हुआ था। ये लगभग साल भर के थे और उसी दौरान भारत आजाद हुआ था। दस्तावेज के अनुसार नवीन पटनायक का जन्म 16 अक्टूबर 1946 को कटक में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बीजू पटनायक है, हालांकि अब पिता इस दुनिया में नहीं रहे। बीजू पटनायक के ही छोटे बेटे हैं नवीन पटनायक। बीजू पटनायक भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नवीन पटनायक की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई है। इन्होंने सबसे पहले वेलहम प्रेपरेटरी स्कूल फॉर बॉयज में पढ़ाई की थी। इसके बाद इन्होंने दून स्कूल में एडमिशन कराया था। स्कूल के दिनों में ये इतिहास के अच्छे छात्र थे। नवीन पटनायक ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उस समय इनकी उम्र 20 साल की थी। अब बात करते हैं 4वें नंबर की। नवीन पटनायक को भारत भ्रमण का जबरदस्त शौक रहा है। विदेश का कोना कोना देखना चाहते हैं। इसे लेकर कई बार वे टूर पर निकले भी है। अब तक उन्होंने 2 बार विदेशों का भी भ्रमण किया है। वे पिछले दौरे में रोम और दुबई गए थे। पहली बार जब विदेश दौरे पर गए थे तो उनके पीछे से सीएम कुर्सी छीनने की साजिश रची गई थी, लेकिन सफल कोई भी नहीं हो पाया था। इसके अलावा उन्हें पुस्तक लेखन का भी शौक है। वे अब तक अ सेकंड पैराडाइज और डेजर्ट किंगडम द गार्डन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिख चुके हैं। इतना ही नहीं, वे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी कि इनाटिक के संस्थापक सदस्य भी हैं। अब बात करते हैं 3rd नंबर की। इस नंबर पर उनके सियासी सफर के बारे में बात करेंगे। नवीन पटनायक का सियासी सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने 11वीं लोकसभा में जनता दल के टिकट पर अस्का लोकसभा सीट से उपचुनाव जीता। ये उनके पिता की पारंपरिक सीट थी। 1967 के उपचुनाव में उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिता के नाम पर पार्टी का गठन किया और पार्टी का नाम रखा बीजू जनता दल। ये दूसरी बार 1998 और तीसरी बार 1999 में सांसद बने। इनकी पार्टी एनडीए में सहयोगी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये केंद्रीय मंत्री भी बने थे। अब बात करते हैं 2rd नंबर की। नवीन पटनायक की सरकार पर घोटाले के कई आरोप लगे हैं, लेकिन नवीन पटनायक पर व्यक्तिगत रूप से किसी तरीके के आरोप नहीं लगे हैं। बताया जाता है कि खनन घोटाला, चिटफंड घोटाला और लचर कानून व्यवस्था को लेकर विरोधी इन्हें घेरते रहे। इसके बाद भी इनके लोकप्रियता में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। आज भी ये लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं और अपने समकालीन राजनेताओं में नीतीश कुमार के भी पसंदीदा नेताओं में से एक है। अब बात करते हैं 1वें नंबर की। उड़ीसा में नवीन पटनायक सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। 2004 और 2009 में इनकी पार्टी गठबंधन के सहारे सत्ता में आई थी, लेकिन राज्य में दंगा होने की वजह से इनकी पार्टी का गठबंधन टूट गया। बाद में इन्होंने 2009, 2014 और 2019 में अपने दम पर सरकार बनाई। इन्होंने इन सालों में सिर्फ ये साबित नहीं किया कि वो अपने पिता की विरासत को संभालने के योग्य है, बल्कि इन्होंने खुद को देश के सबसे लोकप्रिय और करिश्माई नेता के रूप में भी स्थापित किया। बता दें कि इसके पहले लगातार 9 साल का रिकॉर्ड था। एक टर्म इनके पिता भी सीएम बन गए थे। आप बाकी के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।